Alright, class 10. Now we move on to map work. As you know that we have done with the chapter. We start with the chapter 5, geography. In this you have to do only map. Chapter 5 की आपको study करनी है सिर्फ map work के लिए. तो chapter 5 का आप देखते हैं पहले. तो first we see the iron ore mines. We have different iron ore mines are there, but we will look at 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरन ओर माइंस. तो पांच इम्पोर्टेंट आयरन ओर माइन कौन कौन सी हैं इंडिया की, वो यहाँ पे हम देखेंगे. फर्स्ट वी हैव मयूरभंज. ओके, तो मयूरभंज का आप लिख लीजिएगा, उड़ीसा में है ये. ये इसकी लोकेशन है. मयूरभंज, बेलारी. बेलारी ये है कर्नाटका में, इम्पोर्टेंट माइंस है. तीसरी हमारी है दुर्ग. दुर्ग इज इन छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में है ये, बीच में यहाँ पे लोकेट होगा इस साइड में. इसके बाद है कुद्रेमुख. ये बहुत इम्पोर्टेंट माइन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माइंस इन इंडिया, बहुत इम्पोर्टेंट है भारत की, कुद्रेमुख. और लास्ट है हमारे पास बेलाडिला. तो ये माइंस है हमारी 5 इम्पोर्टेंट माइंस जो आप याद रखेंगे. पहली मयूरभंज, मयूरभंज जो है हमारी उड़ीसा में है. फिर है बेल्लारी कर्नाटका की. इसके बाद है दुर्ग छत्तीसगढ़ की. इसके बाद है कुद्रेमुख, बहुत इम्पोर्टेंट माइन है, ये भी कर्नाटका की है. यहाँ से इम्पोर्टेंट आयरन ओर निकाला जाता है बेस्ट क्वालिटी का, जो हम लगभग सारा बाहर भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं. और लास्ट में है बेलाडिला छत्तीसगढ़ की. ओके, सो आप देख लीजिएगा इसको एक बार ध्यान से. मयूरभंज उड़ीसा, बेल्लारी कर्नाटका, दुर्ग छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख अगेन कर्नाटका, बेलाडिला छत्तीसगढ़. दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस जहां से कच्चा लोहा निकाला जाता है. कोल माइंस, अब बात करते हैं कोयले की खदान, कोयले की माइंस जहाँ से कोयला निकाला जाता है. इंडिया की जो बिजली है ऑलमोस्ट 70% कोल से बनती है, तो कोयले के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट माइंस हमारे पास. पहली है रानीगंज, दूसरी है तलचर, उड़ीसा की है. रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल की है. तीसरी है बोकारो, बोकारो झारखंड में है. और नेवली, नेवली जो है तमिलनाडु में है. ओके, तो दोबारा देखें एक बार. इसमें रानीगंज वेस्ट बंगाल, तलचर उड़ीसा, बोकारो झारखंड, नेवली तमिलनाडु. ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड यानी वो जगह जहां से ऑयल निकाला जाता है. तो इंडिया का ऑलमोस्ट 80-90% जो ऑयल है, पेट्रोल डीजल जो आप देखते हो, वो ऑलमोस्ट बाहर से हम खरीदते हैं. वही एक बहुत बड़ी बड़ा कारण है कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर है. हम ज़्यादातर अपना जो पैसा है जिससे हम डॉलर खरीदते हैं, वो ज़्यादातर डॉलर सिर्फ तेल के लिए लिया जाता है. दैट इज़ वाई वी से द सेव फ्यूल. हम जितना इसको बचाएंगे उतना ही देश के लिए ज़रूरी होगा. तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले दिग्बोई. तो दिग्बोई है आसाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है. यहाँ पे सबसे पुराना है तेल का कुआं इंडिया का, दिग्बोई आसाम. दूसरा है बसे. बसे जो है वो है महाराष्ट्र के पास समुद्र में, नाहरकटिया अगेन आसाम में है ये. फोर्थ कलोल, ये गुजरात में है. फिफ्थ मुंबई हाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के नजदीक बसे के नीचे, ये भी समुद्र में है, सी में है, जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड लास्ट वी हैव अंकलेश्वर. अंकलेश्वर आल्सो अगेन इन गुजरात. तो दीज 6 ऑयल फील्ड वी हैव, जिसमें नाहरकटिया दिग्बोई असम, कलोल अंकलेश्वर गुजरात, बसई मुंबई हाई, ये है महाराष्ट्र में समुद्र के अंदर नियर मुंबई.
पावर प्लांट, नाउ वी टॉक अबाउट द पावर प्लांट, दीज वर द एनर्जी रिसोर्सेज, नाउ वी सी द पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं जो कोल या फिर फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि 80% हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से प्रोड्यूस होता है, तो उसके इंपॉर्टेंट पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है कोयले से। पहला है नामरूप, नामरूप अगेन आसाम में है, तो आसाम को आप याद रखेंगे, दिगबोई नाहरकटिया, और तीसरा है नामरूप। ये तीन चीज़ें आसाम में लोकेट की जा रही हैं। तो नामरूप है पावर प्लांट, रामगुंडम तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट तीन पावर प्लांट है हमारे पास जो इंडिया में हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है कोयले से। अगेन देखते हैं, नामरूप आसाम, रामगुंडम तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर न्यूक्लियर से एटम से बिजली बनती है, तो दिस इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन हम इसको अभी भी इतना यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर में रिस्क बहुत होता है, दैट इज वाई इंडिया में इतना ज्यादा इसको यूज नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसे कहते हैं फ्यूचर या फिर प्रेजेंट सेंचुरी फ्यूल, प्रेजेंट सेंचुरी पावर। इससे हम काफी पावर जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर में यूरेनियम का यूज किया जाता है, तो ये जो यूरेनियम है ये एक स्टिक होती है, इसको चार्ज किया जाता है और फिर इससे हीट निकलती रहती है, और उस हीट से फिर वेपर क्रिएट होती है, और फिर उस वेपर से टर्बाइंस घूमते हैं। तो ये एक बार चार्ज होने के बाद कई कई सालों तक चार्ज रहती हैं, और उनसे काफ़ी डेंजरस रेडियो एक्टिव रेज निकलती रहती है। दैट इज़ वाई न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़े रिस्की होते हैं। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है उन देशों के लिए ये रिस्की है। ओके, तो इसमें सबसे पहले है नरोरा यूपी, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापाड़ा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु। ओके, नरोरा यूपी, अगेन वी रिपीट इट, नरोरा यूपी, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापाड़ा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु। सो दीज वी हैव द न्यूक्लियर पावर प्लांट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दैम वी हैव कलपक्कम, बिकॉज इस पर काफी इश्यू भी हुआ था। कलपक्कम का जो पावर प्लांट यहाँ पे सेटअप किया गया था, लोगों ने इसका काफी विरोध किया था ड्यू टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। तो दैट इज वाई कलपक्कम को आप जरूर याद रखेंगे, ये न्यूज में काफी रहता है फॉर द मैप लोकेशन। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मैप टॉपिक्स वी हैव फ्रॉम चैप्टर 5। रिवाइज दीज एंड प्रैक्टिस दीज इन योर ब्लैंक मैप। ओके, एंड ऑल दीज मैप विल बी ट्रीटेड एज योर प्रोजेक्ट वर्क। So you should keep a file for all these map work, okay?